तीसरी चौक में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने एमएसपी की गारंटी व आंदोलनरत सहित किसानों को मुआवजे को लेकर पीएम मोदी का पुतला दहन किया। इसके पूर्व गांधी मैदान से गावा रोड तक पैदल मार्च की गई। माले के उपेंद्र शर्मा ने कहा कि लखीमपुर में आंदोलन के दौरान हुई शहीद किसान को अब तक मुआवजा नहीं दिया गया और ना ही एमएसपी की लागू की गई है, जिसका मांग माले पुरजोर तरीके से करते हैं। मौके पर बालेश्वर यादव, छोटी यादव, लालू राय, धोबी रविदास सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। हम लोगों ने पूरे झारखंड में जो आज से पहले एक साल पहले 2021 में जो लखीमपुर में जो किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया था, जिसमें कि 700 से अधिक किसान शहीद हो गए, जिसमें सरकार ने तीनों कालों कानून को उन्होंने वापस लेने की बात कही और शहीद किसानों के परिवारों को 45 लाख रुपए करके मुआवजा देने की बात कही गई थी और एमएसपी की गारंटी की भी बात हुई थी, जो कि अभी तक वो हो नहीं पाया है। और अजय कुमार मिश्रा के जो पुत्र थे, जिन्होंने कि किसानों पर गाड़ियां चढ़ाकर रौंदने का काम किया, आज वैसे मृत परिवारों को भी मुआवजा नहीं मिला है और उसकी जो है सो रिहाई हो चुकी है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं, हमारी पार्टी मांग करती है भाजपा माले कि उन किसानों को उचित मुआवजा मिले और उसके साथ जो भी किसान के साथ जो हुई है एमएसपी की जो गारंटी की बात है उसको मुकम्मल सरकार घोषित करे और किसानों को मुआवजा देने की गारंटी करे।